हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। आज की इस वीडियो में बात करेंगे रेसलमेनिया 34 में होने वाले मैचेस और उनके रिजल्ट की। आप सभी को बता दूं, कुछ दिनों से मैं वीडियो इसलिए नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं चल रही है। आज थोड़ा बेटर लगा इसलिए वीडियो बना दी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रेसलमेनिया 34 8 अप्रैल 2018 को यूएस के न्यू ऑरलियंस में होगी। डब्ल्यूडब्ल्यूई इसकी तैयारी जोरों से कर रही है। कंपनी ने इसके लिए बड़े बड़े मैचेस का ऐलान कर दिया है। फैंस की निगाह रेसलमेनिया 34 में डैनियल ब्राइन पे रहेंगी और वहीं यूनिवर्सल चैंपियनशिप पे भी सबकी निगाह वैसे ही रहेंगी। इसके अलावा भी कुछ मैचेस हैं जिन पे फैंस की निगाहें रहेंगी, तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। फर्स्ट मैच हमें सेड्रिक अलेक्जेंडर वर्सेस मुस्तफ़ा अली के बीच क्रूजरवेट टाइटल के लिए ये मैच देखने को मिलेगा। पिछले काफ़ी टाइम से इस टाइटल के लिए टूर्नामेंट चला आ रहा है, फाइनल इसका अब हमें इन दोनों के बीच देखने को मिलेगा। बात करूँ उस मैच के विनर की, तो मैं यहाँ से पिक करूँगा सेड्रिक अलेक्जेंडर को। सेड्रिक यहाँ जीतना डिजर्व करते हैं। नेक्स्ट मैच हमें एलेक्सा ब्लिस वर्सेस नाया जेक्स के बीच रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए देखने को मिलेगा। जैसा कि नाया जेक्स काफ़ी तगड़ी अपोनेंट है एलेक्सा ब्लिस के लिए और एलेक्सा ब्लिस ने काफ़ी लंबे टाइम से इस टाइटल पे कब्जा जमाया हुआ है। अब बात करूं उस मैच के विनर की, तो मैं यहाँ से पिक करूँगा एलेक्सा ब्लिस को। ऐसा इसलिए क्योंकि एलेक्सा ब्लिस की हेल्प मिक्की जेम्स कर सकती हैं इस मैच में और WWE नाया जेक्स को दिखाती तो तगड़ा है बट उस हिसाब से पुश नहीं दे रही है। नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलेगा शार्लेट फ्लेयर वर्सेस आस्का के बीच स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। वाकई ये एक अच्छा मैच होगा इनके बीच। शार्लेट फ्लेयर भी कुछ कम नहीं पड़ने वाली हैं इस मैच में, वहीं आस्का अपनी स्ट्रीक को अब तक बढ़ाती चली आ रही हैं। शार्लेट के फैंस को उम्मीद है कि वो शायद आस्का की स्ट्रीक तोड़ देंगी, बट बात करूँ विनर की, तो मैं यहाँ से पिक करूँगा आस्का को। ऐसा इसलिए भी क्योंकि उनकी स्ट्रीक अब तक चली आ रही है। नेक्स्ट मैच हमें द उसोस वर्सेस न्यू डे वर्सेस ब्लजिन ब्रदर्स के बीच स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए देखने को मिलेगा। वैसे हम न्यू डे और उसोस में इससे पहले काफ़ी मैचेस देख चुके हैं PPVs में, बट इस बार अच्छी और तगड़ी चुनौती पेश करेंगे ब्लजिन ब्रदर्स इन दोनों टीम के सामने। एक अच्छा और धांसू मैच होगा इनके बीच। बात करूँ इस मैच के विनर की, तो मुझे लगता है यहाँ ब्लजिन ब्रदर्स की जीत होनी चाहिए क्योंकि इससे टैग टीम में एक नया टर्निंग पॉइंट आएगा। नेक्स्ट मैच हमें द बार वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन और अलायस सैमसन के बीच रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए देखने को मिल सकता है। ब्रॉन स्ट्रोमैन के पार्टनर शायद यहां अलायस सैमसन हो सकते हैं। ये बात तो तय है कि बार के लिए अच्छी चुनौती बन के सामने आएंगे ब्रॉन स्ट्रोमैन और एक अच्छा और तगड़ा मैच देखने को मिलेगा इन दोनों टीम के बीच। बात करूँ इस मैच के विनर की, तो मैं यहाँ से पिक करूँगा ब्रॉन स्ट्रोमैन और अलायस सैमसन को। ऐसा अगर होता है तो एक नई टैग टीम देखने को मिलेगी हमें रॉ में। नेक्स्ट मैच हमें रैंडी ऑल्टन वर्सेस जिंदर महल वर्सेस बॉबी रूड वर्सेस रूसेफ के बीच देखने को मिलेगा। रूसेफ को भी हाल ही में इस मैच में ऐड करा गया है जिससे ये फैटल फोर वे मैच बन गया है। अच्छा मैच होगा इन चारों के बीच। रूसेफ तगड़े अपोनेंट साबित होंगे और उलट फेर भी कर सकते हैं इस मैच में। बात करूँ विनर की, तो मैं यहाँ से पिक करूँगा रूसेफ को। ऐसा इसलिए क्योंकि इस टाइम ऑडियंस सपोर्ट उन्हें काफ़ी मिल रहा है। नेक्स्ट मैच हमें स्टेफनी मैकमैन ट्रिपल एच वर्सेस रोंडा रोजी और कर्ट एंगल के बीच एक मिक्स मैच टैग टीम देखने को मिलेगा। ये एक बड़ा और धांसू मैच हो सकता है, ऐसे इसलिए क्योंकि इस मैच में दो बड़े दिग्गज शामिल हैं और रोंडा रोजी इस मैच से अपना आगाज भी करेंगी WWE में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन लगभग एक साल बाद फिर से रिंग में वापसी करने वाले हैं। बात करूं उस मैच के विनर की, तो मुझे लगता है यहां रोंडा रोजी और कर्ट एंगल जीतेंगे और रोंडा रोजी रेसलमेनिया 34 में जीत के सबको यहां चौंका देंगी। नेक्स्ट मैच हमें शेन मैकमैन डैनियल ब्रायन वर्सेस केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन के बीच देखने को मिलेगा। सबसे तगड़ा और अच्छा मैच साबित हो सकता है ये रेसलमेनिया 34 का, क्योंकि डैनियल ब्रायन ने काफ़ी टाइम बाद इस मैच से वापसी करने वाले हैं और केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन स्मैकडाउन के तगड़े हील फेस हैं, तो मैच तो अच्छा होना है। इस मैच में शर्त ये है कि अगर केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन हारे तो वो कंपनी छोड़ देंगे। अब बात करूँ विनर की, तो मैं यहाँ से पिक करूँगा केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन को। ऐसा इसलिए क्योंकि हार के ये कंपनी नहीं छोड़ने वाले हैं। मैच अच्छा होगा नो डाउट। नेक्स्ट मैच हमें जॉन सीना वर्सेस अंडरटेकर के बीच देखने को मिल सकता है, हालांकि इसका अभी ऐलान नहीं हुआ है और रॉ का केवल एक ही एपिसोड बचा है रेसलमेनिया 34 से पहले और उम्मीद है कि यहां इनके बीच कुछ दिख सकता है। इस मैच को लेट अनाउंस करने के पीछे टिकट्स की सेल एकदम से उछाल कराना होगी। वैसे अगर ये मैच होता है तो ये एक धांसू मैच होगा, सबको अंडरटेकर का इंतजार है। बात करूं इस मैच के विनर की, तो मैं यहां से पिक करूंगा डेडमैन अंडरटेकर को और शायद ये लास्ट मैच हो सकता है डेडमैन का। नेक्स्ट मैच हमें एजे स्टाइल वर्सेस नाकामुरा के बीच देखने को मिलेगा। नाकामुरा ने मैन रॉयल रंबल जीत के ये प्लेस अपने लिए काफ़ी पहले ही बुक कर लिया था। काफ़ी फैंस इसको ड्रीम मैच तक मान रहे हैं। फिनोमिनल भी इस मैच में कुछ कम नहीं पड़ने वाले हैं। अब बात आती है विनर की, तो मैं यहाँ से पिक करूँगा शिंसुके नाकामुरा को। ये सब अब तक के र्यूमर्स पे ही बेस्ड है।
नेक्स्ट मैच हमें द मिज वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस फिन बेलर के बीच इंटर कॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए देखने को मिलेगा। ये एक अच्छा और धांसू मैच होगा इंटर कॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए। काफी टाइम से देख रहे हैं कि मिज ने इंटर कॉन्टिनेंटल टाइटल पे अपना कब्जा सा जमा के रखा हुआ है, तो मिज चुनौती अच्छी पेश करेंगे इन दोनों के सामने। बात करूं विनर की तो मैं यहां से पिक करना चाहूंगा सेथ रॉलिंस को। अगर सेथ रॉलिंस जीतते हैं तो वो ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी बन जाएंगे। नेक्स्ट मैच ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस के बीच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए देखने को मिलेगा। इस मैच पे तो सब फैंस की निगाहें गड़ी हुई हैं कि कौन विनर होगा। लगभग एक साल से ब्रॉक लेसनर इस टाइटल पे अपना कब्जा जमा के रखे हुए हैं। ये मैच काफी पहले से ही बुक हो चुका था और WWE इस मैच में रोमन रेंस को अंडरडॉग की तरह बुक कर रही है। अब बात आती है इस मैच के विनर की, तो मैं यहाँ से पिक करूंगा रोमन रेंस को ही। इस बात के रूमर्स काफी टाइम से चले भी आ रहे हैं। तो फ्रेंड ये थे कुछ मैचेस जो हमें देखने को मिलेंगे रसलमिनिया 34 में। इसके साथ ही आपको बता दूं आंद्रे द जाइंट बैटल रॉयल और वुमेन्स के लिए फेबुलस मुल्ला बैटल रॉयल रंबल भी देखने को मिलेंगे। इसलिए उम्मीद करी जा रही है कि इन मैचेस में बड़े बड़े दिग्गज दिखाई दे सकते हैं वापसी करते हुए। अब देखना होगा कि इन मैचेस में किस किस की वापसी देखने को मिलती है। तो ये थे मैचेस के रिजल्ट। आपको क्या लगता है कौन कौन विनर हो सकता है रसलमिनिया 34 का, जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।